मालकिन, एक महीना हो गया अभी तक हमारा पैसा नहीं मिला, हमको पैसा दे दो दूध का। हाँ लेके आते हैं। माँ आप जाइए अंदर, मैं पैसे दे के आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए भाई आपके पैसे। सुनिए ये तो सिर्फ 250 रुपए है, ये तो आधा ही पैसा है, लीजिए पकड़िए और हमारा पूरा पैसा दीजिए हमको। तो दूध भी तो आप आधा ही देते हो ना, आधा दूध देते हो उसमें आधा पानी मिलाते हो, तो आधे दूध के आधे पैसे। अब आप जाइए। राम राम। ऐसे कैसे जाएं? देखिए हम पूरा पैसा लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम, पूरा पैसा दीजिए हमें। नहीं दूंगी। आप ले लीजिए। तू चुप कर। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। क्यों दिए उसको पैसे? बेकार में लड़ाई मत किया कर सबसे, जब देखो किसी ना किसी झंझट में पड़ी रहती है। माँ आप भी ना। राम राम, राम राम सरिता बहन, राम राम। दिन ही खराब है, एक नमूना गया तो ये दूसरा आ गया। नमस्ते, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। ये दूध वाला ज्यादा परेशान कर रहा है ना? अरे कहो तो एक दिन में उसका दिमाग ठिकाने लगा दूं। नहीं, उसके लिए मैं काफी हूँ, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। तो चुप बैठना, हर बात बीच में बोलना जरूरी है। जाने दीजिए ना सरिता बहन, प्यारी बच्ची है, हमें इसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। बैठिए ना। हाँ। मैं पानी लेके आती हूँ। ओए, ये क्या कर रही है? दिमाग ठीक है तेरा? क्या कर क्या रही है तू? तू दोस्त किसका है, मेरा या उसके बुड्ढे? तेरा? हाँ मेरा ना, तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही कर। ये पीछे वाला टाइप भी बन चक। पर पकड़े गए तो? वो हमेशा उल्टी बात करेगा। अरे पकड़े गए तो देख लेंगे यार, पर सोच अगर नहीं पकड़े गए तो कितना मजा आएगा। जा जाना जाना जा 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 जल्दी जल्दी जा। इस दिन पिटवाएगी। नमस्ते। कार ही नहीं चलेगी अभी। बेचारा गुड्डा पागल। ये गाड़ी किसने बंजर की? क्या हो रहा है ये सब? अच्छा तो ये तुम्हारी शरारत है? हाँ क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? आपको क्या मिलता है मुझे शहर ना भेज के? मुझे नहीं रहना इस गांव में, और अब तो मेरा स्कूल भी खत्म हो गया है। माँ शहर जाना है। एक बार तुम्हें समझाया ना मैंने, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, ये बार बार शहर का क्या रट लगा के रखा हुआ है? वैसे ही तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम दूसरों का भी दिमाग खराब कर देती हो। माँ कितनी बार बोला है कि शहर की जिंदगी बहुत ही अलग होती है यहाँ से। राजू बेटा जरा इसे समझाओ। ज्योति ज्योति सुन ना ज्योति, यार तेरी माँ सही कह रही है यार, तू इतने बड़े शहर में अकेले जाकर कैसे रहेगी? जब देखो मेरी माँ की तरफदारी करता रहता है, मेरी माँ की साइड लेता रहता है। यार सब तेरी भलाई चाहते हैं, तभी तो सबको तेरी चिंता। बस चिंता ही करो सब मेरी, मैं क्या चाहती हूँ ये कभी कभी मैं सोचूं। यार मुझे नहीं रहना है इस गाँव में यार, मुझे शहर जाना है, मुझे मुझे शहर की दुनिया देखनी है। पर तू तू तो रहने ही दे, तू कभी नहीं समझेगा और कोई कभी नहीं समझेगा। शेयर करती नजर आई। यू कैन जनरलाइज आवर सोसाइटी, आई थिंक देयर इज अ फ्रिंज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी दैट डजंट एक्सेप्ट इट, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू ऑफ एवरीबॉडी। एंड आई थिंक व्हाट हैज बीन सेड वेरी नाइसली एट दिस मीटिंग टुडे इज दैट यू नो इट्स ट्रीटेड एज वेरी नॉर्मल इन द फिल्म, दैट वी सी द ह्यूमन बीइंग्स इन द स्टोरी व्हेदर दे आर गे और डिसेबल्ड। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द फिल्म इज टॉकिंग अबाउट। क्या है लाइदा?
लिए क्या परेशानी है आपको? एक तो शहर जाने नहीं देते, तो टीवी पर ही शहर देखने दो। एक चीज समझ नहीं आती तुझे, पता है ना शहर में क्या हुआ था हमारे साथ? तेरे पापा के दोस्त, उन्होंने तेरे पापा के सारे पैसे गाड़ी हड़प कर हमको रस्ते पे लाके रख दिया था। इसी कारण तेरे पापा को हार्ट अटैक आया और हमें यहाँ गांव आना पड़ा। इसलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि शहर मत जा। आप तो मान रही हैं। अरे राजू बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरी दवाई लेके आयो। हाँ, तुम आपकी सारी दवाइयाँ ले आयो मैं बाजार से। इसे भी ना तुम अपनी तरह बनाओ, ये तो हर किसी को परेशान करती रहती है कि शहर जाना है शहर जाना है। अरे सुन तो खा जा रही है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ज्योति देख मैं तेरे लिए क्या लाया, खुद ही खा ले। और ये भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे बाप रे बाप, इतनी सी नाक पर पूरे दुनिया जहान का गुस्सा रखा हुआ है। ज्योति सुन ना, ज्योति तू पूरे दुनिया जहान से नाराज हुआ कर, मुझसे गुस्सा मत हुआ कर यार। तुझे बुरा लगता है ना कि मैं तेरा दोस्त हूँ फिर भी तेरी माँ की तरफदारी करता हूँ? अरे इधर देखना ज्योति, क्योंकि मुझे भी तेरी चिंता है फिक्र है जैसे तेरी माँ को है। तू अभी भी गुस्सा है मुझसे, तू नाराज है, ले तू मार ले, तू मार मुझे। अरे, तू क्या है, पहले गुस्सा दिलाता है फिर ऐसे मनाने आ जाता है। मैं तुझे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुझे गुस्सा है, माफ कर दे। पर एक ही शर्त पे माफ करूंगी तुझे। अब कौन सी शर्त? पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? ओए क्या कर रही है? मैं बता रहा हूं किसी दिन ना दोनों ही फंसेंगे। तेरे लिए भी ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से लाया हूं ये ले। माली पकड़ लेता ना तो बहुत डंडे पड़ते। एक बात बता, वो शाम को जानती है ना मेरा दोस्त, उसने कल एक लड़की को आई लव यू बोला। अरे वाह, और लड़की ने क्या बोला? लड़की ने क्या बोलना था, लड़की ने बोल दिया आई लव यू टू। वैसे एक बात बता, तू तू किस तरह के लड़के को आई लव यू बोलेगी? मैं जो मुझसे सच्चा वाला प्यार करे, मेरी इज्जत करे, जिसे मैं सब कुछ बोल पाऊं, और सबसे जरूरी बात जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। तू कैसी लड़की को आई लव यू बोलेगा? लड़की का तो पता नहीं, लेकिन अब मैं ना जी लगा कर पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि जिंदगी में कुछ बन सकूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ, एक अच्छी सी नौकरी लेकर माँ बाबू जी और तेरा सबका नाम रोशन कर सकूँ। कितना स्वीट है तू, तो ही पता सबसे अच्छी यही बात है, हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना। ज्योति तुझसे एक बात बोलूं, आज ना मैं अपने दिल की सारी बातें तुझसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि मैं तुझे ना दिल से कहना चाहता हूँ कि
देख, मैं हमेशा की तरह तेरे लिए आज फिर से चॉकलेट लेके आया। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं? छोड़, हो गया हो गया हो गया, छोड़ो। तुम्हारे इस कारनामे में ना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। क्यों? अरे तेरे बिना मैं वैसे ही कुछ नहीं कर पाऊंगी राजू, ऐसे मत बोल। पक्का? हाँ। तू ना मरवाएगी कहीं। चल 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 चल। नजरिया चुराई गई ले राम। अरे राम रे, हमारा दूध भी गिरा दिया, बहुत लग गया। अरे राम, लड़की है आप, सारा दूध गिरा दिया हमारा, और देखिए हमका कितनी चोट लग गई। माफ कर दीजिए भैया जी। आने दो उसे, मैं उसकी खबर लेती हूँ, रुको। देखिए खबर बाद में लेना, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। हाँ रुकिए। क्या कर रहे हो यहाँ? अच्छा, एक तो सारा दूध गिरा दिया हमारा, और ऊपर से ये चोट लग गई हमका, और हमसे पूछ रहे हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आ गई महारानी, अब टाइम मिला है तुझे घर पे आने के लिए। आदमी का सारा दूध गिरा दिया और अभी घर पे आ रही है तू? ये दीजिए आपके पैसे और जाइए यहाँ से। इन्हें ना मुझे परेशान करके रखी है। नया नया नाटक। आप हमेशा मुझे ही क्यों डांटते हो? वो भी मनी करता है, उसने भी मनी किया, आप उसे बोलो ना। तो चुप कर। अच्छा राजू, ये शहर से पिताजी की चिट्ठी आई है, जरा पढ़ देना। मेरी प्यारी बेटी सरिता, तुम कैसी हो? बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं तुमसे कुछ बात करूं, लेकिन यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बात नहीं कर पाया। अब मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए अगर हो सके तो जल्द से जल्द ज्योति को अपने साथ लेकर मुंबई आ जाओ। धन्यवाद, तुम्हारा पिताजी। मैं चली जाऊँ मुंबई नाना जी के पास? नहीं, तू नहीं जाएगी मुंबई। प्लीज ना, जैसे भी देखो ना, उनको किसी की देखभाल की जरूरत। कहा ना तू मुंबई नहीं जाएगी, तू यहाँ किसी की और की देखभाल नहीं करती है, वहाँ जाके नाना जी की देखभाल कैसे करेगी? माँ मैं कर लूंगी ना माँ, प्लीज ना माँ। नहीं, मैंने कहा ना कि तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मैं पक्का से वहाँ पे कोई शिकायत नहीं करूंगी, एकदम अच्छी बच्ची बन के रहूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ पे ही रह। राजू तू बोलना माँ को। अब आंटी जी, अब इतनी जिद कर रही है तो जाने दीजिए। वैसे भी आप घर के कामों में इतनी व्यस्त हैं, और वहाँ नाना जी को भी किसी की देखभाल की जरूरत है, तो बेहतर यही होगा कि ये मुंबई जाके नाना जी की देखभाल ही कर ले। प्लीज ना माँ, जाने दो ना, प्लीज ना माँ। ये भगवान, इसने तो मुझे परेशान कर दिया है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुझे जाने देती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तुम वहाँ जाके कोई गलत काम नहीं करेगी। कोई गलत काम नहीं करूंगी पक्का। हाँ मेरे सर की कसम। आपकी कसम। ठीक है, अपना सामान पैक कर ले। पक्का? हाँ बाबा पक्का। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अरे सुन, मैंने तुम्हारी माँ को मना तो लिया, पर तू सच में मुंबई चली जाएगी? हाँ, और सोच कितना मजा आएगा, मैं जो करना चाहती हूँ वो कर भी सकती हूँ। अच्छा एक बात बोलूँ, मैं ना बड़े दिन से तुझसे कुछ कहना चाहता था। ओए ज्योति। नहीं सोच रहा था कि मैं ना जाती। अच्छा सुन, तेरी बात बाद में सुनूंगी, मैं अभी जाती हूँ, मेरे को बहुत सारी तैयारी करनी है। बाय। तूने अपना सभी सामान रख लिया है ना? हाँ। और अपनी सभी चीजें? हाँ मैंने अपनी सभी चीजें रख ली। पक्का? पक्का। अच्छा सुन, तू कल कुछ बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ था, मैं भूल गया। भुलक्कड़। अच्छा सुन, ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। क्या है ये? खुद खोल के देख ले। मोबाइल फोन। थैंक यू।
तुझे हर दिन कम से कम एक बार अपनी माँ को और मुझे जरूर फोन करेगी, वादा कर। वादा। ठीक है। सुन, एक बात बोलूं? बोल। कुछ नहीं, अपना ख्याल रखना। और इस तरह ज्योति अपने सपनों के शहर पहुंच गई, मुंबई। हेलो, सुन तो रही हो ना कि ज्यादा बोरिंग हो गया? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर राजू ज्योति से प्यार करता है तो उसे अभी तक बोला क्यों नहीं, उसे उसको बताया क्यों नहीं कुछ भी? तुम्हें पता है राजू ने ज्योति को क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे ये डर था कि उसके जानने के बाद ज्योति रुक ना जाए। जब कोई किसी को प्यार करता है ना तो दूसरे की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो आगे क्या होगा? अजीब लोग ही शहर के, चीज कहीं भी रख देते। अरे आप बैठे बैठे क्या कर रही है पगली तू? अरे नानाजी बैठी नहीं, गिर गई। चल एक काम कर, तू मेरे साथ अंदर चल, चल ला मैं पकड़ लूं बेटा। अरे हाँ बेटा, तेरा ये फेवरेट चॉकलेट। बचपन में तुझसे मिलने आता था ना, तो इसके बिना मुझसे बात तक नहीं करती थी। थैंक यू नाना जी। बेटे तू अपनी माँ को लेकर क्यों नहीं आई? अरे नाना जी मैं आ गई भाई बहुत है, माँ तो मुझे भी नहीं आने दे रही। आप बताइए अब कैसे आपकी तबीयत? ब्लड प्रेशर हाई, शुगर लो। बेटा क्या है कभी कभी चक्कर सा आता है बेटा, इसलिए मैंने कहा कि कुछ समय के लिए मैं आराम कर, इसलिए मैंने खत लिखा। एक पार्सल, ये सूरज के लिए आया था बेटा, मैं उसे देखे आता हूँ बेटा। सूरज कौन? अरे नहीं मालूम तुझे? अरे वो जो कसरत कर रहा था वो सूरज, मैं देखे आता हूँ बेटा। नाना जी इसे मुझे दे दीजिए, मैं देखे आती हूँ। आप बैठ जाइए, आप आराम कीजिए, मैं अभी देखे आता हूँ। देखे आता हूँ। Oops, excuse me, who are you? वो जो आपके घर में केयरटेकर है वो मेरे नाना जी हैं। ओके, तुम यहाँ क्या कर रही? ये मैं आपको वैसी खड़ी रहना, पलटना मत। क्या आपको पार्सल देने आई थी? पार्सल?